गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज एंड आवर टॉपिक फॉर द डे इज स्टाफिंग. नाउ वी आर मूविंग विद द पार्ट 3, स्टाफिंग पार्ट 3. तो आज के हम इस चैप्टर के अंदर कंटिन्यू करेंगे जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स बच गए थे स्टाफिंग के, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. जस्ट स्टार्ट करते हैं अब हम इस वीडियो को. ओके, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो व्हाट यू मीन बाय ट्रेनिंग? ट्रेनिंग होती क्या है? ट्रेनिंग मींस इट इज एन आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉई फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. एक ऐसी आर्ट जिसके थ्रू हम किसी भी इंडिविजुअल की नॉलेज और स्किल्स में चेंज लेके आते हैं, उसकी नॉलेज और स्किल्स को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि वो अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को और ही इम्प्रूव्ड मैनर में करे और उसकी परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाए. दैट इज व्हाट इज ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट. तो ट्रेनिंग क्या हुई? इट इज एन आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की नॉलेज और स्किल्स को इंक्रीज करती है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है. इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट सीक्स अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज. यानी ये किसी भी इंडिविजुअल के स्किल्स में या उसकी परफॉर्मेंस में या उसकी एबिलिटी में परमानेंट चेंज लेके आती है, जिससे उसकी एबिलिटी जो पहले थी वो इम्प्रूव हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को या जॉब को परफॉर्म करने के लिए. यानी वो अब बेटर मैनर में उसी जॉब को और अच्छे तरीके से कर पाता है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो इससे रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉई इन ऑल एस्पेक्ट. जब हम बात करते हैं किसी भी एम्प्लॉय की कि उसकी ग्रोथ की बात करेंगे, हर एस्पेक्ट से उसकी ग्रोथ की बात करेंगे, तो हम बात कर रहे हैं इसका मतलब किस चीज़ की? उसकी डेवलपमेंट की. तो ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इज ऑल अबाउट इन ऑल एस्पेक्ट्स इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज. इट इज बेसिकली फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय. यानी जब भी हम डेवलपमेंट की बात करें तो इसका मतलब हम इंडिविजुअल की, उस एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं. इट इज़ अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग. यानी ये एक ट्रेनिंग से बहुत ही आगे का स्टेप है, बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है. ट्रेनिंग का एम जो होता था वो केवल होता है इंक्रीज करना स्किल्स को और एबिलिटीज को. जबकि जब हम बात करें कि डेवलपमेंट का मेन एम क्या है, तो ये इम्प्रूव करता है आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट को. इसका एम जो होता है वो होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, विच इनेबल्स हिम, जो उसको इनेबल करता है, जिससे कि वो अपने से हायर पोजीशन की जॉब्स को इजीली हैंडल कर पाए. तो इसका मतलब डेवलपमेंट क्या है? बेटर और वाइडर कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग. So we can say that training means to impart information and skills through instruction. It is a method of increasing the knowledge and skills and aptitude of the employee for performing a particular job, जिससे कि वो अपनी जॉब को और अच्छे मैनर में कर पाए और बेटर मैनर में कर पाए. जबकि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉई. इट फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉईज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज मच वाइडर टर्म एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग. इट एम्स टू इंक्रीज वंस स्किल एंड एबिलिटीज टू डू अ पर्टिकुलर जॉब एंड एम्स एट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन. इट इनेबल्स हिम टू हैंडल हायर पोजिशन जॉब्स, जिससे कि वो अपने से अच्छे पोजीशंस की, हायर पोजीशंस की जॉब को इजीली हैंडल कर पाए और उसकी पर्सनल ग्रोथ हो. तो हमने अब समझ लिया है कि ट्रेनिंग क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है. हम आगे कंटिन्यू करते हैं. अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसको एक डिफरेंशिएटेड मैनर में भी ले लेते हैं कि आप डिफरेंस स्टडी करते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो हमने इसको कुछ बेसिस पर डिस्कस करते हैं. तो पहला जो बेस है इसमें वो है कॉन्सेप्ट. तो ट्रेनिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज और स्किल्स. इसका मेन मेथड क्या है? मेन का चीज़ का इम्पार्ट करना नॉलेज को या स्किल्स को, जिससे कि वो अपने जॉब को और अच्छे मैनर में परफॉर्म कर पाए. जबकि डेवलपमेंट की बात करें तो ये ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? ओवरऑल ग्रोथ. अब बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट की, सूटेबिलिटी. कहाँ पर ज़्यादा ट्रेनिंग सूटेबल है? तो ये ज़्यादातर सूटेबल है टेक्निकल स्टाफ्स के लिए. जहाँ पर टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, हम ट्रेनिंग को प्रेफर करते हैं. जब हम बात करें डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है, डेवलपमेंट कहाँ पर सूटेबल होता है? जहाँ पर मैनेजरियल टाइप का स्टाफ हो, वहाँ पर हम डेवलपमेंट को सूटेबल मानते हैं. अब बात करते हैं थर्ड हमारा डिफरेंस पॉइंट का, वो है फोकस. ट्रेनिंग का मेन फोकस क्या होता है? किसी भी तरीके से वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए,
किसको इम्प्रूव करें? वर्क एफिशिएंसी को। जबकि बात करें डेवलपमेंट का मेन फोकस क्या है, इसका मेन फोकस होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिससे कि हम उस एम्प्लॉय को एक फ्यूचर के एक अच्छे मैनेजर में कन्वर्ट कर सकें, उसकी मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करें। वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज किस में करते हैं? ट्रेनिंग में। जबकि मैनेजरियल एफिशिएंसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस में करते हैं? डेवलपमेंट में। हम नेक्स्ट डिफरेंस पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट पॉइंट है पीरियड। ट्रेनिंग कितने पीरियड के लिए होती है? बेसिकली ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, कुछ समय के लिए की जाती है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन। जबकि डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, एक लॉन्ग फिनोमेना है, वाइडर कॉन्सेप्ट है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट जो है डिफरेंस का वो है मेथड, कि ट्रेनिंग के लिए कौन से मेथड को हम ऑप्ट करते हैं। ट्रेनिंग के लिए ज़्यादातर ऑप्ट किया जाता है मेथड ऑन द जॉब, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में फ्यूचर में आगे। और जबकि डेवलपमेंट की बात करें तो ज़्यादातर इसमें हम प्रेफर करते हैं ऑफ द जॉब मेथड ट्रेनिंग्स के। तो ट्रेनिंग के ऑन द जॉब मेथड बेसिकली ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ऑफ द जॉब मेथड किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रेफर किए जाते हैं? डेवलपमेंट के लिए। अब ये है कि किस तरीके का इसमें सेंट्रल एग्जाम। ओके, जो हमारा लास्ट पॉइंट जो है डिफरेंस का वो है सेंटर्ड। इसमें फोकस किस पे रहेगा? ट्रेनिंग जो होती है बेसिकली वो वर्क सेंटर्ड होती है, काम से रिलेटेड है, आपको काम के बारे में इम्पार्ट की जाएगी नॉलेज, स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी। जबकि डेवलपमेंट जो होती है वो पर्सनल ग्रोथ के लिए होती है, एम्प्लॉय के खुद के लिए होती है। इसका मतलब उसका कंसर्न, उसका सेंटर्ड एरिया क्या है? एम्प्लॉय खुद। तो यदि हम पूछा जाए कि ट्रेनिंग किस पे सेंटर्ड है तो वो बोलेंगे हम कि ये वर्क सेंटर्ड है। जबकि डेवलपमेंट किस पे सेंटर्ड है? वो इम्प्लॉयज ग्रोथ सेंटर्ड है, इम्प्लॉयज सेंटर्ड है बेसिकली। तो ये अभी अभी हम डिस्कस किए, हमने कितने पॉइंट्स? हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा हमें। अब हम आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्किप करते हैं अपने। हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। किस तरीके से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंस है उसकी, या हमारे लिए नीड क्यों है उसकी, क्या सिग्निफिकेंस है? Nowadays jobs have become more complex, क्योंकि हमारी jobs बहुत ज़्यादा complex हो चुकी हैं, difficult हो चुकी है। तो इसके लिए हमें अपने आप को enable करना पड़ता है, equip करना पड़ता है, improve करनी पड़ती है अपनी skills, और इसको improve करने के लिए हमें training की और development की ज़रूरत पड़ती है। So training and development benefits not only the employee but also the organization, क्योंकि training और development का effect केवल उस employee के ऊपर ही नहीं पड़ता, उस employee के साथ साथ उसकी efficiency पे पड़ता है, उसके working environment पे पड़ता है, उसके performance पे पड़ता है, जिसका कहीं ना कहीं impact खुद ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी पड़ता है। यानी ये दोनों को इंपैक्ट करती है, एम्प्लॉई को भी और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को भी। अब इनको हमने कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, यानी अच्छी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी बेसिकली बोल सकते हैं। पहला, बेटर यूटिलाइजेशन। पहला क्या हो गया? बेटर यूटिलाइजेशन। हम अच्छी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की हेल्प से अपने सभी रिसोर्सेज को, वेदर इट इज ह्यूमन, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हम उनको अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। सेकेंडली, हमारी वेस्टेज मिनिमम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, वेस्ट कम से कम करते हैं। थर्डली, हमारी ये प्रोडक्टिविटी को, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, आप अपनी आउटपुट को और इम्प्रूव कर पाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं वो लीड करेगी उस फर्म की, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को। यानी आप उस फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज कर पाएंगे। नंबर फोर्थ क्या है आपका पॉइंट, जो एडवांटेज है वो है, या इसका इंपॉर्टेंस है वो है, इट इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस। ये इंप्लॉइज के बीच में उनकी कॉम्पिटिटिव की जो फीलिंग है उसको भी इंक्रीज करता है। अब उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है और एक दूसरे से आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, तो इसका फायदा भी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंस का वो है, इट रिड्यूसेस इंप्लॉईज टर्नओवर, यानी लेबर टर्नओवर को भी ये कम करती है। क्योंकि अब उनके माइंड में ये थॉट नहीं होता कि उनको कभी भी फायर किया जा सकता है, निकाला जाता है। यानी अब वो स्टेबिलिटी के साथ काम करते हैं, उनको लगता है फर्म में अब वो जुड़ चुके हैं और फर्म का एक प्रॉपर हिस्सा बन चुके हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए फर्म के साथ जुड़े हैं और फ्यूचर में भी फर्म के लिए कुछ अच्छा काम करने वाले हैं। कोई इनके माइंड में डर नहीं कि उनको निकाला जा सकता है, यानी हायर एंड फायर पॉलिसी इसमें फॉलो नहीं होती है। यानी अच्छी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू उनके माइंड से फीलिंग हट जाती है कि उनको निकाला जा सकता है या उनको जॉब को छोड़ना पड़ेगा, या कोई और माइंड में डर नहीं होता इस चीज़ को लेकर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से सोचे तो। और लास्ट पॉइंट है, इट डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग द इम्प्लॉयज। इससे उनके माइंड में पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, कॉन्फिडेंस आता है उनको किसी काम को करने का, क्योंकि अब उनके माइंड में कोई फियर नहीं है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते समय, क्योंकि उनको अब उसके लिए प्रॉपर ट्रेंड किया गया है। अब यदि कोई एक न्यू इंप्लॉई होगा, यदि उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, उसको डायरेक्टली काम पर इंपार्ट कर दिया जाएगा या जॉब दे दी जाएगी करने के लिए, तो वो शायद डरेगा, वो हिचकिचाएगा, भागेगा उस जॉब से। तो इसका मतलब जब हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे देंगे तो उससे उसके माइंड से ये सभी थॉट्स और ये फियर सब हट जाएंगे और वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप हो जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स किस पे बेस्ड थे? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे।
अब हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पे और लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। हमारी ट्रेनिंग के कितने टाइप्स हैं? बेसिकली हमने ट्रेनिंग के टाइप्स को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज ऑन द जॉब, सेकेंड वन इज ऑफ द जॉब। तो फर्स्ट को हम कंसिडर करते हैं, फर्स्ट वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। दिस इज अ वेरी ओल्ड एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत ही ओल्ड टेक्निक है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। हम इस तरीके को बहुत टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली, इन दिस मेथड ऑफ वर्कर लर्न्स बाय डूइंग द वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ ए सुपरवाइजर। इसमें क्या होता है, एक सुपरवाइजर होता है जो आपको गाइड करता है और आप कब काम करते करते बेसिकली सीखते हैं, उसी इन्वायरमेंट में सीखते हैं जिसमें आपको एक्चुअली काम करना है। इसी वजह से इसको हम किस कैटेगरी के अंडर काउंट करते हैं, ऑन द जॉब मेथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इस ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर काफी सारे मेथड्स हैं जो हम स्टडी करेंगे, जिसको मैं लिस्ट कर रहा हूं यहां पर। फर्स्ट वन इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, सेकंड वन इज कोचिंग, थर्ड वन इंटर्नशिप, फोर्थ इज जॉब रोटेशन, फिफ्थ वन इज इंडक्शन ट्रेनिंग। तो हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग का जो सबसे पहला मेथड है वो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। होता क्या है इस प्रोग्राम में या इस ट्रेनिंग में, हियर ट्रेनीज आर प्लेस अंडर द गाइडेंस ऑफ अ सीनियर वर्कर। इसमें जो भी ट्रेनी होता है, जो ट्रेन करने के लिए जिसको भेजा जाता है, वो किसी सीनियर वर्कर के अंडर में काम को सीखता है, जिसको हम बेसिकली मास्टर वर्कर या सीनियर वर्कर बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज डिजाइन टू अक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल्स। ये इस तरह की ट्रेनिंग बेसिकली किनको दी जाती है, जहां पर अच्छे लेवल पे हायर लेवल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जहां पर कैंडिडेट्स को टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ता है टू हैव एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर अबाउट 6 मंथ्स। बेसिकली इस तरह में हम किसी इंस्टीट्यूशन को विजिट करते हैं और वहां पे 6 महीने के लिए उस वर्किंग एनवायरमेंट में रह के काम सीखते हैं। पीपल वो वांट टू एंटर स्किल्ड वर्क, जैसे एग्जांपल के लिए क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके अंदर, प्लम्बर है, वो प्लम्बिंग का काम किसी मास्टर वर्कर के अंडर में सीख रहा है, 6 महीने वहां पे सीख के आया और उसके बाद उसने अपना या तो अपना काम शुरू कर दिया या उसने उसी के अंडर में काम करना शुरू कर दिया। सिमिलरली इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक हो सकता है किसी चीज का, ये इस तरह की ट्रेनिंग के लिए बेसिकली इनके लिए इक्विप होती है। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में होता क्या है, सीनियर वर्कर के अंडर में एक ट्रेनी को सीखने का मौका मिलता है। नॉर्मली ये 6 महीने के लिए ट्रेनिंग की जाती है, जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन, रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आप विजिट करते हैं और उसी इन्वायरमेंट में उस तरह की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो ये किस तरह की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब, आप काम करते करते बेसिकली सीख रहे हैं, इसमें काम भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। हमारा जो सेकेंड मेथड है ऑन द जॉब मेथड का, वो है कोचिंग। होता क्या है इसमें, इन दिस मेथड द सीनियर मैनेजर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट्स द ट्रेनी। इसमें क्या होता है, जो भी सीनियर मैनेजर होगा या लीडर का काम करता है, वो इंस्ट्रक्ट करता है ट्रेनिंग को, उसको सिखाता है कैसे काम करना है बेसिकली। उसको उसके गोल्स के बारे में आइडिया होता है कि किस तरह से उनको अचीव करना है, उसका आइडिया होता है और उसी को फॉलो करते हुए वो ट्रेनिंग को उसी के फॉलो अप में सिखाता है चीजों को और वो प्रोग्रेस करता है। इसका मतलब द कोच पीरियडिकली रिव्यूज द प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस को भी स्टडी करता है, वो रिव्यू करता है मेड बाय द एम्प्लॉइज, जो ट्रेनिंग ने उस पूरे प्रोसेस में सीखा है, और सजेस्ट करता है कि क्या क्या चेंजेस को फ्यूचर में और लेके आने हैं। हियर टीचिंग अबाउट द जॉब इज एम्फसाइज रादर देन डूइंग द जॉब। यहाँ पर बेसिकली टीचिंग की जाती है, काम नहीं कराया जाता, बेसिकली उसको सिखाया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है। तो मेन पर्पज क्या होता है कि किस तरीके से बिजनेस के गोल्स को ईजिली अचीव किया जा सके। अब हम थर्ड मेथड पे आते हैं ऑन द जॉब मेथड के, दैट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप होता क्या, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर। कई बार क्या होता है, कुछ इंस्टीट्यूशंस कुछ अपने कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ कुछ MOU साइन करा लेते हैं, या बेसिकली उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमारे स्टूडेंट आपके यहाँ पर विजिट करेंगे और उनको जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज आपके थ्रू मिल सकती है वो आप प्रोवाइड करेंगे, जिससे उनको एक वर्किंग एनवायरनमेंट मिल जाए और वो उस वर्किंग एनवायरनमेंट में वो सभी चीज़ें सीखें जो उनको एक्चुअल एनवायरनमेंट में, जब वो एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, बेसिकली एक्चुअल प्रैक्टिस में आएंगे एम्प्लॉयमेंट में, तो उन चीज़ों को वो इजिली अडॉप्ट कर पाएँ और वो अच्छे से उसको मैनेज कर पाएँ। तो ये जो एग्रीमेंट होता है, ये किसके बीच में होता है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच में। तो इसका मतलब जैसे ही आपने कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन किया और आपने वहां पर उस पर्टिकुलर चीज की ट्रेनिंग करी है, तो बीच में इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आपको उस कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर विजिट कराया जाता है, वहां पर आप जाते हैं और वो काम एक्चुअली करते हुए सीखते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग को हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग बोलते हैं। इस ट्रेनिंग में होता क्या है बेसिकली, इस ट्रेनिंग में ऑर्गेनाइजेशन गेट्स पीपल विद फ्रेश आइडियाज, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेश आइडियाज वाले लोग मिलते हैं, नेटिव नॉलेज मिलती है उस एम्प्लॉइज, उस वर्कर्स को काम करने के सीखने के लिए जो जा रहे हैं वहां पर। और ऐसा करते समय जो भी वर्कर सीख रहे हैं उस पर्टिकुलर वर्कर काम को, जो विजिट कर रहे हैं उस कॉर्पोरेट सेक्टर को, उनको वहां पर सीखते समय कुछ लेस अमाउंट ऑफ मनी भी वो प्रोवाइड करते हैं। उसी को हम बोल सकते हैं, बेसिकली सैलरी वर्ड यूज नहीं किया है, तो उसको हम स्टाइपेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
स्टाइपेंड बेसिकली ये होता है कि छोटे मोटे खर्चे आपके निकल जाएं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप कर रहे हैं तो आपको काम करते करते किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके सीखने का यदि मौका मिले और वहां पर आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग हो रही हो तो वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर होगा आपको बदले में काम करते करते सीखने के बदले में कुछ छोटा अमाउंट लेस अमाउंट भी सैलरी के रूप में प्रोवाइड कर सकता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं स्टाइपेंड, वो जो कि एक नेसेसिटी भी है एक इंटर्नशिप एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। जैसे सीए कोर्स करने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके वो प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, उसके बाद ही आप फ्यूचर अपने अपने कोर्स को आगे गो ऑन कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग, क्या बोलते हैं इंटर्नशिप। तो ये सीए स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होता है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में भी होता है ऐसा कि जहां पर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में विजिट करने का मौका मिलता है। तो ये किसके अंडर में आती थी, ये भी आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर। अब हम नेक्स्ट मेथड पे आ रहे हैं अपने ऑन द जॉब के, जो कि क्या है जॉब रोटेशन। जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व शिफ्टिंग द ट्रेनी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हम इंप्लॉइज को शिफ्ट करते हैं जिसकी वजह से उनको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिले उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं जॉब रोटेशन। जब हमें लग रहा होता है कि एक इंडिविजुअल में कैपेबिलिटी है कि वो अपने से पोजीशन पे अच्छे पोजीशन में जाके भी काम कर सकता है, उसको एक थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो हम उसको जॉब रोटेशन के थ्रू वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि वो एक्चुअल एनवायरमेंट में काम करना सीख भी जाएगा और जैसे ही उसको हम उसमें फिक्स करेंगे उस पर्टिकुलर जॉब पर तो वो काम को बहुत अच्छे मैनर में परफॉर्म कर सकता है। व्हेन एम्प्लॉईज आर ट्रेन्ड बाय दिस मेथड द ऑर्गेनाइजेशन फाइंड्स इट इजीियर एट द टाइम ऑफ प्रमोशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ और ट्रांसफर। इस तरह के प्रोसीजर को ज्यादातर कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन कब प्रेफर करती हैं, जो प्रमोशन के बारे में सोच रही होती हैं या रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रही होती हैं या एक एम्प्लॉई को दूसरी जगह ट्रांसफर करने की सोच रही होती है। तो एक बेस्ट मेथड है ट्रेनिंग कराने का, क्या है ये मेथड जॉब रोटेशन, जिसमें होता क्या है बेसिकली ट्रेनिंग को एक डिपार्टमेंट से या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है, जिससे कि वो उस तरह की जॉब को इजीली समझ पाए और उसे अच्छे से कर पाए। हमारा जो लास्ट जो मेथड है अंडर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, वो है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, जब भी एक एम्प्लॉई न्यूली अपॉइंटेड होता है तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जिससे फैमिलियर कराया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसके रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको, उसे बताया जाता है कि क्या क्या काम उसे करना है कैसे करना है। इस तरह की ट्रेनिंग यदि उसको दी जाती है तो उसको हम बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। नॉर्मली ये ट्रेनिंग कब की जाती है, बिगनिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट, जैसे उस पर्सन की उस एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट होती है उसे फैमिलियर कराने के लिए उस एनवायरमेंट के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस फर्म के साथ इस तरह की ट्रेनिंग की जाती है। तो उसको हम किस नाम से बुलाते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। तो हमने अब सारे मेथड पढ़ लिए अंदर ऑन द जॉब मेथड, अब हम शिफ्ट करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ जो कि क्या है ऑफ द जॉब मेथड। ओके, अब हम बात कर रहे हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की। होता क्या ऑफ द जॉब, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इट मींस ट्रेनिंग द एम्प्लॉई बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्किंग पोजीशंस। जब वो काम करते हुए सीख रहे थे, जब वो ट्रेनिंग ले रहे थे, उसे हम ऑन द जॉब बोलते हैं। जब उसे वर्किंग एनवायरमेंट से हटा के किसी और जगह लेके जाते हैं और वहां जाके उसे ट्रेनिंग दी जाती है, तो इस तरह के मेथड्स को हम क्या बोलते हैं ऑफ द जॉब। इसमें होता क्या है, एम्प्लॉईज आर गिवन अ ब्रेक फ्रॉम द जॉब, उसे जॉब से ब्रेक मिलती है और उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिफोर डूइंग। ये किस तरह का प्रोसेस है, लर्निंग बिफोर डूइंग, जबकि पिछले वाले में हम क्या कर रहे थे, लर्निंग वाइल डूइंग कर रहे थे, काम करते करते सीख रहे थे, यहां पर काम करने से पहले सीखेंगे हम। इस मेथड में भी बहुत सारे मेथड आते हैं अंडर ऑफ द जॉब मेथड्स, जो कि क्या क्या है, जैसे क्लासरूम लेक्चर, आपको लेक्चर या कॉन्फ्रेंस के लिए भेज दिया गया दूसरी सिटी में या दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्री में इनफैक्ट कभी कभी, या आपको एक फिल्म दिखाई गई, आपको वर्किंग एनवायरनमेंट से हटा के किसी जगह एक फिल्म ऑर्गेनाइज कराई गई और वहां पर आपको फिल्म दिखाई जा रही है, वो वाली केस स्टडी ऑब्जर्व करने के लिए किसी पर्टिकुलर जगह पे भेज दिया गया, किसी पर्टिकुलर एरिया में भेज दिया गया और वहां जाके आप केस स्टडी कर रहे हैं उसकी। नेक्स्ट होता है कंप्यूटर मॉडलिंग हो सकती है, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं चीजों को, और नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, और लास्ट वन है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इनमें से जो हमारे सिलेबस का जो बेसिकली पार्ट है वो है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग या वेस्टिब्यूल स्कूल। अगर हम बात करते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग की या वेस्टिब्यूल स्कूल की, होता क्या है इस ट्रेनिंग में, इसमें होता क्या है, एक एक्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है उस एम्प्लॉय के लिए, जिसको जो एनवायरनमेंट उसे एक्चुअल पोजीशन पे मिलने वाला है फ्यूचर में, जब वो जॉब पे एक्चुअली प्लेस होने वाला है, ऐसा एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं उसके लिए और उस एनवायरनमेंट में उसे काम करना सिखाते हैं। जैसे मान लो एक मॉडलिंग कर ली, बेसिकली हमने सेम एनवायरनमेंट बना दिया। मान लीजिए जैसे आपने एक मूवी भी देखी होगी, एक मूवी आई थी हमने, जिसके अंदर ये देखा कि किस तरह से एक रॉबरी प्लान करते हैं वो, और वहां पर भी एक वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का एग्जांपल लिया गया था। रॉबरी करने के लिए उन्होंने वेस्टिब्यूल स्कूल बनाया, एक मॉडल बनाया जहां पर उस रॉबरी के लिए जो जो इक्विपमेंट जो जो मैकेनिकल चीजें चाहिए थी वो सब चीजों को
प्लेस किया गया और जो जो उसमें इन्वॉल्व थे उस रॉबरी में उसको वहां पर ट्रेनिंग दी गई। एक मैंने एग्जांपल लिया है, इसको हम यहां पर यूज कर रहे हैं कि वो समझने के लिए, इसको एक्चुअल एनवायरमेंट में यूज नहीं करना है हमने। ओके, तो वेस्टिबल ट्रेनिंग होती क्या है, जहां पर एक एक्चुअल एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है। एक्चुअल एनवायरमेंट किस लिए क्रिएट किया था, जिससे कि आप उस वर्किंग एनवायरमेंट को समझ पाएं कि किस तरीके से आपने एक्चुअल एनवायरमेंट जब आपको मिलेगा काम करने का आप उसे सीखेंगे। तो हमने वहां पर प्लेसमेंट कर दी पोजीशंस पे, मशीन्स को लगा दिया, आपको पता लग गया कि क्या क्या स्टेप हमें परफॉर्म करने हैं। एक डमी एनवायरमेंट आपको मिल गया जहां पर आप सीख रहे हैं काम को, और जब आप वो काम पूरे तरीके से सीख जाएंगे और आपका ट्रेनर उस बात से सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, तब आपको एक्चुअल एनवायरमेंट में भेजा जाएगा, तब आप उसे एक्चुअल में करना सीखेंगे। तो बेसिकली वेस्टिबल ट्रेनिंग होती क्या है, जहां पर एक डमी एनवायरमेंट क्रिएट किया जाएगा एक्चुअल एनवायरमेंट से बिल्कुल मिलता जुलता, जहां पर सेम टाइप के मटेरियल होंगे, इक्विपमेंट होगी और आपको ट्रेनिंग मिलेगी उस पे काम करने की। जब आप एक्चुअल एनवायरमेंट में जाएंगे तब भी आपको उसी तरीके की चीजें, उसी मटेरियल को और उसी इक्विपमेंट को यूज करना आ जाएगा और आप अच्छे से उस काम को मैनेज कर पाएंगे। तो ये किसके अंडर में हमने सीखा, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में। मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे मेथड और भी हैं, बट आपके सिलेबस का पार्ट केवल वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है तो मैंने उसी पे फोकस किया है फिलहाल। तो मैं मान रहा हूं कि आपको यहां पर अब सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हम अब कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को, नेक्स्ट टॉपिक को सॉरी, जो कि क्या है, ट्रेनिंग में डिफरेंस, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ, अब उसको वन बाय वन एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज गिवन टू वर्कर वाइल दे आर इंगेज इन द वर्क, जब वो काम कर रहे होते हैं तब उन्हें ट्रेनिंग दो दी जाती है, उन्हें ऑन द जॉब बोलते हैं। जब उसे एक्चुअल एनवायरमेंट से हटा के वर्क आउटसाइड द एनवायरमेंट लेके जाते हैं और वहां पर जाकर ट्रेनिंग देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में क्या होता है, इन ऑन द जॉब ट्रेनिंग एट द टाइम ऑफ लर्निंग वर्कर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रोडक्शन, क्योंकि वो काम भी कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग भी होते हैं, यानी इसका मतलब वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि ऑफ द जॉब में वो कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं दे रहे होते उस समय पर, वो केवल ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता उनका ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में। थर्ड डिफरेंस का जो पॉइंट है वो है, इट डजंट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई खर्चा अलग से नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को ही यूज़ किया जाता है ट्रेनिंग कराने के लिए, जबकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हम खर्चा करना पड़ता है, हमें टूल्स एंगेज कराने पड़ते हैं, इक्विपमेंट लाना पड़ता है, प्लेस को बुक करना पड़ता है, ट्रेनर अपॉइंट करने पड़ते हैं और उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में जाके सीखने के लिए और जो फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है वो भी हमें एक्वायर करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें खर्चा करना पड़ता है, यानी इसमें खर्चा एक्स्ट्रा होता है ऑफ द जॉब में। अब हम बात करते हैं लास्ट जो डिफरेंस की, वो है इन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग गेट्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मोर बट लैक्स इन थियोरेटिकल ट्रेनिंग, यहाँ पर उसको थियोरेटिकल ट्रेनिंग नहीं मिलती, टेक्निकल चीज़ों को सिखाया जाता है, जबकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में उसे थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है, यानी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड ज़्यादा बेटर माना जाता है जब थियोरेटिकल के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। यदि प्रैक्टिकल की खाली जरूरत है तो ऑन द जॉब को हम प्रेफर करेंगे, और यदि थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ेगी तो हम ऑफ द जॉब को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो आज के इस पूरे सेशन में हमने बात की ट्रेनिंग की और डेवलपमेंट की, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में हमने स्टडी किया और ये देखा कि कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं ट्रेनिंग के, जिसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, फर्स्ट वन इज ऑन द जॉब, सेकेंड वन इज ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में हमने बात की थी कुछ मेथड्स की, जो कि फाइव मेथड्स थे, पहला था उसमें से अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, सेकंड वन इज कोचिंग, थर्ड वन इंटर्नशिप, फोर्थ इज जॉब रोटेशन, फिफ्थ वन इज इंडक्शन। जबकि हमने ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की जब बात की उसमें भी हमने कुछ मेथड्स की बात की, जैसे था क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंसेज या फिल्म्स, केस स्टडीज, कंप्यूटर मॉडलिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग या वेस्टिब्यूल स्कूल और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, इनकी सबके बारे में बात तो की, बट मैंने आपको बोला फोकस किस पे करना है, हमने वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग पर या वेस्टिब्यूल स्कूल पर, जिसमें बताया था हम एक डमिंग एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं और उसी एनवायरमेंट में इक्विपमेंट और मशीन्स को देखते हैं, उसी पोजीशन पे प्लेस करते हैं जैसा उसे एक्चुअल एनवायरमेंट में मिलना होता है, जिससे कि ट्रेनिंग अच्छे तरीके से ट्रेन हो पाता है, उसे पता होता है उसे क्या काम करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं और वो एक्चुअल एनवायरमेंट में जाके उन स्टेप्स को अच्छे से मैनेज कर पाता है। तो ये था वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो ये हमने पर्टिकुलरली इसी को फोकस क्यों किया, क्योंकि आपके सिलेबस में यही पार्ट था, बाकी चीजों को भी हम अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, तो आप उसको दूसरे सोर्सेज के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला क्लासरूम लेक्चर कराया गया, कॉन्फ्रेंस अरेंज कराई गई और आपने इंप्लॉइज को वहां पर भेज दिया उन कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, कोई फिल्म्स दिखा दिया आपने अपने इंप्लॉइज को, यदि आपने कोई ट्रेनिंग देना चाहते हो, केस स्टडी करने के लिए उसे किसी ऐसी प्लेस पर ऐसी एरिया में भेजा गया जहां पर उस केस स्टडीज के बारे में सोर्स था, वहां पर उसने सभी चीजों को स्टडी किया कि क्या रीजन था, क्या क्या इफेक्ट थे, क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ, क्या रीजन थे, और उस बेसिस पर वो अपनी केस स्टडी की रिपोर्ट बनाए और वो उसे इंप्लीमेंट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर में, ऐसा ही कंप्यूटर मॉडलिंग में हो सकता है, और लास्ट वन इज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो हमने फोकस किस पे करना था, इस पे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो हमने सभी मेथड्स के बारे में बात की और फाइनली हमने किस पे फोकस किया था,
हमने फोकस किया डिफरेंस पर कि क्या डिफरेंस है ऑन द जॉब में और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में। तो मुझे लग रहा है कि आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी, आज के सेशन को भी आपने अच्छे से इंजॉय किया होगा और आप अब अच्छे से मैंने अच्छे समझ में आ चुका है आपको ट्रेनिंग क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, ट्रेनिंग के मेथड कौन कौन से, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, कौन कौन से ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड, ऑफ द जॉब के क्या मेथड्स हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो मैं मानो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। होप करता हूँ आपने आज की वीडियो को भी इंजॉय किया होगा और आप घर पे बैठ के इसको एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे और स्टडी करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर द डे, आज के लिए इस वीडियो को मैं ही स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।